जामा मस्जिद इलाके में एक ही परिवार के 11 कोरोना पॉजिटिव संक्रमितों में एक 1.5 साल का बच्चा भी शामिल। विदेश से लौटा था परिवार का एक सदस्य, 3 लोग LNJP में भर्ती, बाकी होम क्वारंटीन। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या 2000 के पार, 47 मौतों के साथ 2156 लोग बीमार। पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्रियों से ली कामकाज की जानकारी, सूत्रों के हवाले से खबर। कोरोना को लेकर सोनिया का सरकार पर वार, बैठक में बोली सोनिया गांधी, देश में बीमारी के टेस्ट कम। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान, प्रदेश में हर रोज 7000 टेस्ट हो रहे, बेड की संख्या भी पर्याप्त। तेलंगाना सरकार का बयान, संक्रमित व्यक्ति के डायरेक्ट संपर्क में आने वाले ही होंगे क्वारंटीन, बिना लक्षण वालों का नहीं होगा टेस्ट। सवाई माधोपुर में पूरे शहर का सैनिटाइजेशन, दमकल की गाड़ियां हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर रही। मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वाले गिरफ्तार, एक ही परिवार के 4 लोगों पर लगेगा NSA। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का बयान, दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को वापस बुलाने में करेगी मदद। महाराष्ट्र में एक दिन में 431 नए मरीज, वायरस की वजह से अब तक 5652 बीमार। मुंबई में कोरोना के 232 नए मरीज, कुल मरीजों का आंकड़ा 3600 के पार, अब तक 161 मौतें। महाराष्ट्र से लाए गए 90 मजदूरों को यूपी के महोबा में छोड़कर भागा कंटेनर, प्रशासन ने मचा हड़कंप। लॉकडाउन के बीच हाजीपुर की एक फैक्ट्री में मजदूरों का धरना प्रदर्शन, वेतन ना देने का आरोप। मुंबई से यूपी के गोरखपुर में साइकिल से ही प्रवासी मजदूरों का पलायन, खाना ना मिलने की वजह से छोड़ा है शहर। यूपी के मुरादाबाद में थाना प्रभारी समेत 73 पुलिसकर्मी क्वारंटीन, 15 अप्रैल को किया था पत्थरबाजों की गिरफ्तारी। मुरादाबाद में स्वास्थ्य टीम पर पत्थरबाजी करने वाले 5 लोग भी कोरोना पॉजिटिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 1449, नोएडा में संक्रमित लोगों का आंकड़ा 100 के पार। गुजरात के DGP शिवानंद झा की लोगों से अपील, रमजान और परशुराम जैसे धार्मिक मौकों पर भीड़ बनाकर इकट्ठा ना हो। मध्य प्रदेश में अब तक 80 मरीजों की मौत, इंदौर में मरने वालों का आंकड़ा 50 के पार। गुजरात में अब तक कोरोना के 2407 मरीज, 103 लोगों ने गवाई जान। तमिलनाडु में 1629 तक पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा, एक दिन में 33 नए मरीज। जम्मू कश्मीर में सामने आया कोरोना के 27 नए मरीज, अब तक 407 संक्रमित। रांची में 6 साल की बच्ची ने पढ़े गीता के श्लोक, बिना देखे लोगों को सुना रही 16 अध्याय। लखनऊ के एक गांव में दहशत का माहौल, मोहनलालगंज में कोरोना से 10 दिन में 7 लोगों की मौत। लॉकडाउन के बीच नए स्लोगन के साथ दिल्ली पुलिस, बैरिकेड पर दिल्ली पुलिस के साथ जोड़ा दिल की पुलिस। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर सख्ती, पुलिस के साथ डॉक्टर्स की टीम भी कर रही नोएडा में दाखिल होने वालों की जांच। गृहमंत्री से बैठक के बाद डॉक्टर्स की संस्था का बयान, कहा सरकार से मिला सुरक्षा का भरोसा, कोरोना से मिलकर हमें लड़ना होगा। सरकार के सेतु ऐप का फिल्म अभिनेता अजय देवगन ने किया प्रचार, बोले ऐप दे रहा है हर भारतीय को पर्सनल बॉडीगार्ड। यूपी हरियाणा बॉर्डर पर 7 लोग हिरासत में लिए गए, प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी के नाम पर बने फर्जी पास से कर रहे थे बॉर्डर पार। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 21,393, अब तक 681 लोगों ने गंवाई जान। स्वास्थ्य कर्मियों पर हुए हमले को लेकर बने अध्यादेश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी, हमलावरों के खिलाफ 7 साल तक की सजा। मध्य प्रदेश के पन्ना में 10वीं के छात्र ने बर्थडे गिफ्ट के पैसे पीएम केयर फंड में दिए, सादगी से मनाया जन्मदिन। चंडीगढ़ के मेडिकल रिसर्च सेंटर में 54 स्टाफ समेत धारा डॉक्टर क्वारंटीन, 6 महीने की बच्ची के कोरोना पॉजिटिव होने पर फैसला। यूपी दिल्ली बॉर्डर पर सख्ती जारी, सिर्फ वैलिड पास वाली गाड़ियों को ही नोएडा में एंट्री। लखनऊ में EOPD की शुरुआत, फोन करके डॉक्टर और दवा दोनों घर पर रहेंगे उपलब्ध। यूपी के अलीगढ़ में लॉकडाउन के बीच हंगामा, 20 सड़क पर शव लेकर बैठे लोग
पुलिस ने समझा बुझाकर भेजा। चीन में बनी रैपिड टेस्टिंग किट लौटाएगी पंजाब सरकार, गलत नतीजे आने के बाद लिया गया फैसला। अलीगढ़ में भाई बहन कोरोना पॉजिटिव, पिता ने वायरस की वजह से तोड़ा दम, इलाज कर रहे डॉक्टर भी वायरस की पुष्टि। बांद्रा स्टेशन पर भीड़ इकट्ठा होने के मामले में सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर का ट्रांसफर, 10 दिन पहले प्रवासी मजदूर इकट्ठा हुए थे। लॉकडाउन के बीच पटना में पुलिस की सख्ती, बिना वजह निकलने वालों के काटे चालान। गोंडा जिला अस्पताल में डॉक्टर से बसलू की, मास्क पहनने को कहा तो मरीज के परिजन भड़के। मध्य प्रदेश के गुना जिले में कोटा से पहुंचे छात्रों का मेडिकल चेकअप, चेकपोस्ट पर दिए गए सैनिटाइजेशन किट। गुरुग्राम प्रशासन ने मारुति मानेसर प्लांट को खोलने की इजाजत दी, 300 कर्मचारी करेंगे मेंटेनेंस का काम। 45 दिन से फंसे ड्राइवर्स को निकालने के लिए पंजाब सरकार की अपील, जारी किया वीडियो। अरबपति बिल गेट्स ने की मोदी की तारीफ, कोरोना के खिलाफ जंग में पीएम को लिखी चिट्ठी। अमेरिका ने चीनी लेबोरेटरी की जांच के लिए बनाया दबाव, विदेश मंत्री ने कहा अब भी जारी है वायरस पर रिसर्च। अमेरिका में अब तक 47,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 8,00,000 से ज्यादा संक्रमित। दुनिया भर में कोविड-19 के 26,00,000 से ज्यादा मरीज, 18,000 से ज्यादा संक्रमितों की हो चुकी है मौत। इटली से आए टेनिस खेलने की अनोखी तस्वीर, दो लड़कियों ने अपनी अपनी छतों से टेनिस खेला।